गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के सोशियोलॉजी चैप्टर 12 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में, जो कि लास्ट एपिसोड है दोस्तों। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों आइए हम अपने मूल्य समय को बचाते हैं, बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई? ए नंबर, क नंबर में 1918, क नंबर 1919, क नंबर 1941 और घ नंबर 1949। इसका सही आंसर दोस्तों घ नंबर 1949 में। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई? क नंबर बाल गंगाधर तिलक, क नंबर रामकृष्ण परमहंस, घ नंबर स्वामी विवेकानंद और घ नंबर राजा राम मोहन राय। सही आंसर है घ नंबर राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया एवं फासीवाद का समर्थन किया? तो को नंबर में है पेरोटो, को नंबर कॉम्टो, को नंबर मार्क्स और को नंबर वेबर। सही आंसर दोस्तों को नंबर पेरोटो ने। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? को नंबर उत्तर प्रदेश, को नंबर उत्तराखंड, को नंबर मध्य प्रदेश, को नंबर आंध्र प्रदेश। सही आंसर दोस्तों को नंबर उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की विशेषता है? क नंबर कानून की दृष्टि में समानता, ख नंबर सार्वभौमिक मताधिकार और घ नंबर प्रेस की स्वतंत्रता, घ नंबर इनमें से सभी। सही आंसर है घ नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का संबंध है किससे? क नंबर सार्वभौमिकरण कारण से, सार्वभौमिकरण से के साथ, ख नंबर एकीकरण के साथ, घ नंबर स्वजातीयता के साथ और घ नंबर इनमें से सभी। सही आंसर है घ नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, दी एलिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? क नंबर मैक्स वेबर और गो नंबर मैक्स, को नंबर मैक्स वेबर, को नंबर स्पेंसर, गो नंबर मैक्स मूलर, गो नंबर दुर्खीम। सही आंसर है दोस्तों गो नंबर दुर्खीम। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्रामीण नगरीय सात्यता सातत्य की अवधारणा के विकास में योगदान दिया? तो क नंबर में है एसी दुबे, ख नंबर सोरोकिन, घ नंबर रेडफील्ड और घ नंबर कॉम्ट। इसका सही आंसर दोस्तों घ नंबर रेडफील्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियाद क्या है? ए नंबर धन एवं संपत्ति, घ नंबर जाति, घ नंबर परिवार, घ नंबर धर्म। सही आंसर घ नंबर जाति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? क नंबर स्त्रियों की उच्च परिस्थिति, ख नंबर उच्च जनसंख्या का घनत्व, घ नंबर व्यक्तिवादिता और घ नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर घ नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक दशा औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? तो क नंबर में है अधिक उत्पादन, ख नंबर नई प्रौद्योगिकी का उपयोग, घ नंबर हस्तशिल्प का विकास और घ नंबर व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति। सही आंसर है घ नंबर हस्तशिल्प का विकास। अगला प्रश्न है,
संथाल विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया था? को नंबर बिरसा मुंडा, को नंबर सिधु कान्हू और को नंबर कारिया मुंडा और को नंबर शिबू सोरेन। आंसर है को नंबर सिधु कान्हू। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने कृषक समाज की अवधारणा को परिभाषित किया? क नंबर ए सी दुबे, ख नंबर आंद्रे बेते, ग नंबर योगेंद्र सिंह, घ नंबर के एल शर्मा। सही आंसर है ख नंबर आंद्रे बेते। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूह है एक क्या है? क नंबर औपचारिक समूह, ख नंबर वृहत समूह, घ नंबर छोटा समूह, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है घ नंबर छोटा समूह। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूह के अंतर्गत क्या आते हैं? कौन नंबर प्रतियोगिता की भावना पाई जाती है, कौन नंबर सहयोग की भावना पाई जाती है और कौन नंबर एक निरपेक्ष की भावना पाई जाती है, कौन नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों कौन नंबर सहयोग की भावना पाई जाती है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक समूह की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? क नंबर भोजन की व्यवस्था करना और ख नंबर स्वास्थ्य की रक्षा करना, घ नंबर विचारों एवं व्यक्ति व्यक्तित्व का निर्माण करना, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है घ नंबर विचारों एवं व्यक्तित्व का निर्माण करना। तो यह था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के सोशियोलॉजी चैप्टर 12 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व जॉब। दोस्तों तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, धन्यवाद।